बट हमें लास्ट में बोला था इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एन यू का प्रोडक्ट कितना है 10, और यहाँ पे एन यू का प्रोडक्ट कितना है 10^6 क्या ये वाला वैल्यू अब ये वाला वैल्यू दोनों बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ऑफकोर्स होगा, यहाँ पे 10^6 बराबर ही होगा क्योंकि 10^10 कितना हो रहा है। तो क्या यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट यानी कि एन और यू का प्रोडक्ट और यहाँ भी एन यू का प्रोडक्ट क्या दोनों सेम नहीं है? तो अब बताइए यू चेंज किए एन चेंज किया, एन चेंज किए सॉरी यू चेंज किए न्यूटन के टाइम किए, तो देखिए 10 से कितना हो गया 10^6 यानी कि यू चेंज करेंगे एन चेंज होगा बट इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा, वैल्यू क्या होगा? एक और एग्जाम्पल देते हैं, देखिए n का वैल्यू कितना है 20, u क्या है यहाँ पे 0। एक काम करते हैं चेंज करते हैं k0 को यानी कि u1 को चेंज करते हैं, u1 को क्या करते हैं चेंज करते हैं, तो चलिए kg है यानी कि kg को हम क्या करते हैं ग्राम में चेंज करते हैं, तो 10^10 ग्राम। अब इसको 20 × 10^3 बताइए यहाँ पे केजी था यानी कि यूवन केजी था, अब हम यहाँ पे केजी को चेंज करके हमें क्या कर दिया ग्राम में यानी कि यू टू क्या हो गया यहाँ के मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले यूवन केजी था अब क्या हो गया ग्राम यानी कि हम यू को चेंज कर चुके हैं, और यू को चेंज कर चुके हैं तो देखते हैं कि वैल्यू चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे जब केजी था तो एन की वैल्यू 20 था, जैसे हमने ग्राम उसको किया एन की वैल्यू कितना हो गया 20 × 10^3। तो बता यू चेंज करने से एन की वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। चलिए बट एक और चीज था कि दोनों का प्रोडक्ट यानी एन यू का प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे एन यू का प्रोडक्ट कितना है 20 kg, यहाँ पे 20 × 10^3 क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है कि नहीं? चेंज कहाँ किया? इसका इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट है, दोनों को चेंज नहीं किया बट यू को चेंज कर रहा है तो ये की वैल्यू चेंज कर रहा है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो अच्छे से समझ में आया। क्लासिफिकेशन क्या है स्टेटमेंट है इक्वेशन है और इसका प्रूफ नहीं हो सकता, इसलिए रिमेंबर लॉ ऑफ फिजिक्स का हम प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं, लॉ ऑफ फिजिक्स का प्रूफ हम कर ही नहीं सकते हैं। याद रखेंगे हमेशा कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो हमारे क्यूब इक्वल टू एनी था इक्वेशन फॉर्म में इसका प्रूफ नहीं कर सकते। चलिए आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ physical quantities। Based on their
डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्वांटिटी में पहला हमारा होगा बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स का होता है, यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है। तो यहां पे जो यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का, पहला होता है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। एक्चुअली में इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नहीं है यहाँ पे इलेवेंथ में वेक्टर्स, यहाँ पे चैप्टर नहीं है वेक्टर, यानी कि हम यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हम बात करेंगे तो फिर बीच में मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, तो हम चाहते हैं इसको बस शुरू करें खत्म नहीं करें, इसलिए इसको हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर में बढ़िया से, इसलिए हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन करना है तो इसको पता कर लेना चाहिए, इसलिए इस दोनों के बारे में हम वेक्टर चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन अब डिपेंडेंसी के बेसिस पे अगर फिजिकल क्वांटिटी देखें तो यहाँ पे दो होता है, यानी कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे अगर हम देखें फिजिकल क्वांटिटी कि कितने टाइप का होता है तो दो होता है, पहला होता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, एंड दूसरा होता है ड्राइव, यानी कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स का होता है, पहला होता है फंडामेंटल और बोले बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटी, सेकेंड क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमें यहाँ पे दोनों के बारे में पढ़ना है कि डिपेंडेंसी के बेसिस पे दो क्वांटिटीज होता है, कौन कौन सा, बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकेंड वन डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट मेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड क्वांटिटीज पे सिंपल है, क्या सिंपल है कि भाई कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहेंगे, बेस क्वांटिटी किसको कहेंगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, जो बिल्कुल नहीं करता है, ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी कहते हैं। यानी सिंपल है बेस क्वांटिटी किसको कहते हैं, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। देयर आर सेवन बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल बोले और बेस क्वांटिटी बोले, यहाँ पे सात लोग यानी सेमिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पहला है
7 एल्यूमिनियस इंटेंसिटी। देखिए हमने 7 सेमी फिजिकल क्वांटिटी, 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेस क्वांटिटीज है, यानी कि मास क्या होता है बेस क्वांटिटी होता है, लेंथ क्या बेस क्वांटिटी होता है, टाइम क्या है बेस क्वांटिटी, फोर इलेक्ट्रिकल है बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, एल्यूमिनेशन इंटेंसिटी है, यानी कि ये जो सेमी हमने फिजिकल क्वांटिटी लिखा है ये एक्चुअली में बेस क्वांटिटी है। क्या मास दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। टाइम दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो ये सब का सब क्या है? ये सब का सब बेस क्वांटिटीज है, यानी कि सिंपल ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटी पे इंडिपेंडेंट हो, यानी कि डिपेंड करता ही नहीं हो, यानी कि सिंपल मास को डिफाइन करने के लिए क्या हमें दूसरे क्वांटिटीज का डिफाइन करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। यानी कि मास को डिफाइन करने के दूसरे दूसरी क्वांटिटी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मास क्या है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी। क्या लेंथ को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। टाइम को डिफाइन करने के लिए अदर क्वांटिटी का डिफाइन करना पड़ता है? नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता। तो सब ये सारा जो भी चीजें है जो भी मतलब जो भी दिख रहा है क्वांटिटी, ये सब क्या है बेस क्वांटिटी है। सिंपल कि फिजिकल क्वांटिटी के साथ इंडिपेंडेंट यानी कि दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी। सेकेंड सेकेंड है डेराइव क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज डेराइव्ड क्वांटिटी में क्या है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव्ड है फंडामेंटल क्वांटिटी से, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव्ड है किससे फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो हम उसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि फंडामेंटल के हेल्प से जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हुआ है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जिसे एग्जांपल में हम लेते हैं एरिया। एरिया क्या था? लेंथ इनटू हाइट भी हो सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि लेंथ क्या फंडामेंटल है? Yes. क्या ब्रीथ भी तो लेंथ ही होता है ना? अगर जब ब्रीथ भी लेंथ है तो ब्रीथ भी क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। यानी कि एरिया जो है लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी कि किस क्वांटिटी से डिराइव है? फंडामेंटल से। इसीलिए एरिया क्या है? एक डिराइव क्वांटिटी है। एरिया क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर टू स्पीड। ये क्या होता है? डिस्टेंस बाय। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि टाइम क्या है? फंडामेंटल।
डिस्टेंस यानी कि लेंथ। अब लेंथ क्या है, फंडामेंटल है, यानी कि स्पीड में जो डिस्टेंस बाय टाइम आया है, डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल टाइम क्या है, फंडामेंटल यानी कि स्पीड किससे डिराइव है, फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसलिए स्पीड क्या होगा, स्पीड डिराइव होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही होता है और बोल सकते हैं लेंथ। अरे तो लेंथ ही है तो ये तो फंडामेंटल हो गया, ये क्या हो गया फंडामेंटल, टाइम क्या है ऑफकोर्स फंडामेंटल है। अब बताइए वेलोसिटी किससे डिराइव है, फंडामेंटल से कि नहीं, तो जब फंडामेंटल से है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गया। एग्जाम्पल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास फंडामेंटल, अब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन सिंपल क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, टाइम फंडामेंटल, अरे वेलोसिटी है तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल टाइम है, यानी कि m इंटू a में, यानी कि m फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, सॉरी ये पूरे टर्म में अगर हम अंदर तक जाते हैं तो सब का सब फंडामेंटल ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है फंडामेंटल ही मिल रहा है, तो फोर्स क्या हो गया डिराइव हो गया। एक बार उसको समझा देता हूं, शायद कंफ्यूज नहीं होंगे आप फोर्स को लेकर। जैसे देखते हैं फोर्स जो है एम इंटू ए, तो ए तो फंडामेंटल है नो डाउट, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का जगह पे ए इक्वल टू होता है चेंज इन डिवाइड टाइम टर्म, और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन जो है, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन के अंदर में जितना भी टर्म हमने इन्वॉल्व किया वो सब का सब फंडामेंटल है, यानी कि फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए में ये पूरा का पूरा जब हम टर्म को एकदम मॉडिफाई करते गए तो लास्ट में जो भी आ रहा है सब क्या रहा है फंडामेंटल रहा है, यानी कि फोर्स भी फंडामेंटल से ही डिराइव है, इसलिए फोर्स क्या हो गया डिराइव क्वांटिटी। चलिए एग्जांपल ये हो गया आपका फाइव, एग्जांपल सिक्स एक्सेलरेशन, एक बल क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, चलिए वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय बाय टाइम, और ऑलरेडी ये क्या है टाइम है, तो ये भी क्या है फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल,
तो बताइए एक्सेलरेशन में ये जो आपका है यानी कि फंडामेंटल ही से डेराइव एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन में जो भी टर्म्स आ रहे हैं सब क्या है फंडामेंटल है इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है यानी कि फंडामेंटल ऐसा क्वांटिटी जो कि अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है जैसे मास लेंथ करंट वगैरह हो गया और डेराइव क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव है। चलिए एक क्वेश्चन करने से करते हैं लोग displacement, mass, force, time, mass, force, time, speed, velocity, acceleration, pressure, Under the following categories, first categories, base quantities, dusra देखिए क्वेश्चन है कि कुछ